कम से कम अच्छे चाय भी पानी बैठेंगे। गुड्डू हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी हर्ष ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी बढ़िया है। और अभी मेरा फेस देख के लग रहा होगा कि नींद तो पूरी हुई नहीं, फेस में ऐसा लग रहा है कितना सारा सूजन है। और फाइनली इस प्यारे से रूम को अब अलविदा कहने का टाइम आ गया है, क्योंकि आज होटल से हम लोग सब लोग जा रहे हैं अब दुल्हनिया को लेकर उनके ससुराल। तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे बैंगलोर जो है आसनसोल। तो फटाफट निकलते हैं, जल्दी जल्दी अपना बोरिया बिस्तर बांधिए समेत। आप कहाँ जा रहे हैं पोटला पोटली लेके? अरे बताइए तो कहाँ जा रहे हैं? वो देखिए भरे कैसे है मम्मा यार, वो फ्री हो जाएगा पुआ। बट इधर मेरा सोया बाबू माई ब्लॉग सैनल। तब आपकी नई नई भाभी आ गई, कैसा लग रहा है आपको बताइए? नींद आ रहा है, जाइए ना भाभी गोदी में सुलाएगी आपको। जल्दी जल्दी उठाइए, जल्दी जल्दी पकड़ पानी नहीं देंगे वरना। चार्जर चार्जर, अरे मेरा एक और छूट गया, वो झोला लीजिए आप, वो वाला उसको ऊपर रखवाएंगे हो सके तो क्योंकि गुटली। हाँ ये वो भी मेरा है, ये भी है, इसको ना साथ में रखेंगे क्योंकि गुटली का इसमें ना थोड़ा बहुत बिस्किट इसकी कुछ कुछ है। क्या झूले राजा, तब हम भी चल रहे हैं आपके साथ। कहाँ पे कहीं लगाएंगे? बट ये बंदा का चार्ज ही खत्म हो गया है तो ये चार्जिंग लगाने में बस है ना। हाय तो लॉज को करेंगे अब बाय बाय। उसको नहीं, वो वाला ब्लैक वाला पर्सन है उसको ऊपर रखवाइए, उसमें गुडली का थोड़ा बहुत सामान है। सो फाइनली सब लोग अपने अपनी पैकिंग करके जो है सब अपनी अपनी गाड़ी पे अपना सामान जो है लगेज है वो सब सेट कर रहे हैं। अब बंदे मेरा यहाँ देख लो, सब लोग अपनी दुल्हनिया को विदाई करते हैं, यानी कि मतलब लड़की वाले जो होते हैं अपनी लड़की को विदाई करते हैं। बट यहाँ पे जो है दूल्हे राजा अपने ससुराल वालों को पहली विदाई कर रहे हैं, बाबू इधर हाई कर रहा है। तो फाइनली सब लोग लॉज से निकलने का अपना लगेज जो है सब गाड़ी में रख रहे हैं। बंदे और दूल्हे राजा देखो दोनों मेरे काम पे लगे हुए हैं, बाबा देवर जी भी है दूल्हे जी भी दोनों। तो होता ऐसा था पहले, पहले के टाइम पे पहले दुल्हनिया को उनके घर वाले विदाई करते थे, बट अब के टाइम पे बहुत कुछ चेंजेस हो गए तो अच्छा भी लग रहा है कहीं ना कहीं। यहाँ पे जो है ना दूल्हे राजा पहले अपने ससुराल वालों की विदाई कर रहे हैं होटल से, उसके बाद हम लोग सब लोग निकलेंगे। फाइनली दुल्हन वाले यानी लड़की पार्टी जो है वो विदा हो चुके हैं और अब है हमारी बारी। तो यहाँ से हमारी बस जो है वो थोड़ी सी आगे थी, तो वहाँ से हम लोग चलते अपनी बस की ओर। और बाय बाय लॉज। और बाबू को देख लो, ये सहरा को उठा के ले गया, सहरा पहन के चल रहा है। और वैसे अच्छा भी है क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा थी, तो बच्चा है तो ले लिया। फाइनली अब हम अपने बस पे चढ़ चुके हैं और यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं अपने बस को खुलने की, क्योंकि तो गर्मी इतनी तेज़ हो रही थी, इतनी तेज़ मतलब पूछो मत। और गुड्डू मस्त यहाँ पे अंकल जी थे, पहचान तो नहीं रहे हमको, हम उनको नहीं पहचान रहे, बट गुड्डू उनके पास अच्छे से खेल रही थी एकदम मस्त। और फिर फाइनली हमारी बस खुलती है तो ऐसा लगता है जैसे जान में जाना ही, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और इधर बैठे हैं मेरे बंदे जो ये भी लगेज उठा उठा कर थक गए हैं, और अभी बाबू और गुड्डू। तो सफ़र में जो है वो बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही मतलब ये पहाड़ी जंगल वाले रास्तों से जाना है, तो बहुत ही बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी जो हम लोग जो है ना हमारी बस जो है वो रुकी है थोड़े टाइम के लिए, 5-10 मिनट के लिए, ताकि सब लोग पानी वानी हल्का फुल्का कुछ ले लें। तो बस अभी ऐसे ही
हाईवे पे रुकी हुई है और सब लोग देखो जंगल घूम घूम के आ रहे हैं यहाँ पे कैसे। और यहाँ से जो ये ऊंची वाली पहाड़ दिख रही है ना, तो उस पहाड़ को होते हुए हमें जाना है, क्योंकि रास्ता जो है एकदम पहाड़ी इलाका है, तो बोलते हैं झारखंड है ये, तो झारखंड से होते हुए हमें बंगाल जाना है। थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोग सब कुछ चाय नाश्ता कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे निकलेंगे। तो फटाफट से चलते हैं हम नीचे बस से, वहाँ करते हैं नाश्ता और फिर निकलेंगे। मम्मी उसको खिलाती सही में। गुड खा लीजिए, सुमित बोरी ले लीजिए। अब नहीं देना बेटा, दूध नहीं पीती है वो। वो देखिए उसको कहाँ डालना है। फिर सब लोग नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग वहाँ से निकलते हैं। और ये जो जंगल, ये रास्ता इतना हरा भरा, इतना सुनहरा मौसम लगता था, ऐसा लगता था यहीं रह जाए, बट कुछ मजबूरियाँ है कि हमें हमारे गांव में नहीं रहने देते। बट कुछ टाइम शायद और वेट करें तो शायद हम गांव में शिफ्ट हो पाए। तो फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं आसनसोल, जो कि बंगाल में पड़ता है। तो बस कुछ ही टाइम पर हम घर पर पहुँचने ही वाले बुआ के घर पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।